नरेंद्र डिजिटल हाउस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस देख सके। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र डिजिटल हाउस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेस्कटॉप क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप डेस्कटॉप के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद डेस्कटॉप के बारे में सीख पाएंगे या जान पाएंगे। तो चलो अपने डिजिटल हाउस में चलते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विंडोज 10 के डेस्कटॉप के बारे में देखेंगे। विंडोज लॉगिन होने के बाद या शुरू होने के बाद सबसे पहले मॉनिटर पर जो स्क्रीन दिखाई पड़ती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। कंप्यूटर के विंडोज़ में कोई भी काम डेस्कटॉप से ही शुरू होता है। कंप्यूटर में जिस जिस ऑप्शन या एप्लीकेशन की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है या ज़्यादातर प्रयोग में लानी पड़ती है उसे हम डेस्कटॉप पर रखते हैं, जैसे कि फोल्डर, फाइल्स, एप्लीकेशन आदि ऑप्शंस। डेस्कटॉप पर कई ऑप्शन होते हैं। एक, दिस पीसी यानी माय कंप्यूटर। दो, नेटवर्क। तीन, रिसाइकल बिन। चार, स्टार्ट मेन्यू। पांच, शॉर्टकट। छः, फाइल और फोल्डर। दिस पीसी यानी माय कंप्यूटर। विंडोज 10 में माय कंप्यूटर को दिस पीसी कहा गया है। दिस पीसी को खोलने के लिए दिस पीसी के आइकॉन पे माउस कर्सर ले जाके डबल क्लिक करें तो दिस पीसी का ऑप्शन खुल जाता है। इसका दूसरा तरीका भी है, दिस पीसी के आइकॉन पे माउस कर्सर ले जाके सिंगल क्लिक करें और कीबोर्ड पे एंटर बटन दबाएं। इससे दिस पीसी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब दिस पीसी का ऑप्शन खोलते हैं। दिस पीसी को खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद दिस पीसी की विंडो खुल जाएगी। विंडो में आपको सबसे ऊपर दिस पीसी नामक एक बार दिखाई देता है, उसे टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे मेनू बार है और उसके नीचे टूल बार है। टूल बार के नीचे एड्रेस बार दिखाई देता है। दोस्तों, विंडोज के दाहिने तरफ आपको एक्सप्लोरर दिखाई देता है और उसके बाजू में आपको आपके ड्राइव्स के आइकॉन्स और कई फोल्डर्स दिखाई देते हैं। दिस पीसी का पूर्ण अध्याय और पूर्ण विस्तार आने वाली वीडियो में देखेंगे। नेटवर्क का ऑप्शन खोलने के लिए डेस्कटॉप पे दिखाए गए नेटवर्क के आइकॉन को डबल क्लिक कीजिए। अब आपके स्क्रीन पे नेटवर्क की विंडो खुल जाए। दोस्तों, नेटवर्क के विंडो में दाहिने तरफ एक्सप्लोरर दिखाई देता है और सेंटर में आपके कंप्यूटर का नाम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेटवर्क में आपको शेयरिंग किया गया सर्वर, होल्डर, फाइल्स, प्रिंटर दिखाई देती है। फिलहाल मेरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल और फोल्डर शेयर किया गया नहीं है, इसलिए कोई भी फाइल्स, फोल्डर और डिवाइस मेरे कंप्यूटर में नहीं दिखाई दे रहा है। नेटवर्क का विस्तार हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। रिसाइकल बिन, हमारी कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को बचाने की दी गई सुविधा मतलब रिसाइकल बिन ऑप्शन है। रिसाइकल बिन एक घर में रखे गए कचरे के डिब्बे की तरह है और वह उसी तरह से ही काम करता है जिस तरह घर के कचरे को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं और गलती से उस कचरे में हमारी एक वस्तु डाल दी गई हो तो उसे हम फिर से पा सकते हैं।
रिसाइकल बिन को पूरी तरह से खाली किया जा सकता है। रिसाइकल बिन में रखी हुई फाइल्स, फोल्डर्स और अन्य ऑप्शन को मिटाया जा सकता है। फिर उसे रिस्टोर करना या प्राप्त करना संभव नहीं है। जब रिसाइकल बिन पूरा भर जाता है तो नई डिलीट की गई फाइलों को जगह बनाने के लिए पुरानी फाइल्स हटानी पड़ती है। डेस्कटॉप पर मैंने एक फाइल रखी हुई है, उस फाइल को अब मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में गई है। अब रिसाइकल बिन को हम खोल देते हैं। रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करने के बाद रिसाइकल बिन की विंडो खुल जाएगी। रिसाइकल बिन में हमने डिलीट की गई फाइल दिखाई देती है। हम इस फाइल को पुनः रिस्टोर कर सकते हैं या पूरी तरह से कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको यह फाइल फिर से रिस्टोर करनी हो तो इसे क्लिक करके रिस्टोर द सिलेक्ट आइटम इस पे क्लिक कीजिए तो आपकी फाइल पुनः डेस्कटॉप पे आ जाएगी, यानी अपने जगह आ जाएगी। और इस फाइल को मुझे पूरी तरह से कंप्यूटर से डिलीट करनी हो तो एम्प्टी रिसाइकल बिन या उस फाइल को राइट क्लिक करके डिलीट बटन दबा दीजिए। डिलीट बटन दबाने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यह ऑप्शन खुल जाता है। अगर आप उसको यस कर देते हैं तो यह फाइल पूरी तरह से आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। और नो का ऑप्शन आप क्लिक करते हैं तो यह फाइल रिसाइकल बिन में ही रह जाएगी। तो मैं यहाँ यस का बटन दबा देता हूँ। आपकी फाइल अब इस कंप्यूटर से पूरी तरह से हटा दी गई है। दोस्तों, इसी तरह रिसाइकल बिन आपके कंप्यूटर में काम करता है। दोस्तों, स्टार्ट मेनू हर विंडो में अलग अलग तरह से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए विंडोज एक्सपी में स्टार्ट मेनू अलग दिखता है और विंडोज 8 में अलग, लेकिन उसका काम एक ही है। हम स्टार्ट मेनू का पूरा अध्ययन आने वाली वीडियो में करेंगे। विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू को चालू करने के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन के दाहिने तरफ नीचे कोने में विंडोज का चिन्ह दर्शाया गया है, उसे सिंगल क्लिक करें। अब आपका स्टार्ट मेनू खुल जाए। स्टार्ट मेनू के दाहिने तरफ पावर, सेटिंग, पिक्चर, डॉक्यूमेंट और यूजर के चिन्ह दिखाई देते हैं। उसके बाजू में आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन दिखाई देंगे और सबसे आखिर में जो एप्लीकेशन होल्डर या कोई फाइल बार बार इस्तेमाल करनी पड़ती है तो उन्हें पिन टू स्टार्ट यह ऑप्शन दिया गया है। टास्क बार। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे जो ब्लैक कलर का बार दिखाई देता है उसे टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार पर क्या क्या होता है यह हम देखेंगे और टास्क बार का पूरा अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। टास्क बार पर सबसे पहले स्टार्ट बटन दिखाई देता है, वह विंडो के सिंबल की तरह दर्शाया गया है। टास्क बार पर स्टार्ट बटन के बाजू में सर्च का बटन दिखाई देता है, उसे कॉर्टाना भी कहा जाता है। यह गोल आकृति के रूप में दिखाई देता है। सर्च बटन के बाजू में हमें कई एप्लीकेशन के आइकॉन दिखाई देते हैं, वह आइकॉन पिन करके रखे गए हैं। हमें जो एप्लीकेशन ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं या एप्लीकेशन को ढूंढना न पड़े इसलिए उन्हें टास्क बार पर पिन करके रखा जाता है, उसे क्विक स्टार्ट भी कहा जाता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन, फाइल, फोल्डर ओपन करते हैं तो उसका आइकॉन हमें टास्क बार पर दर्शाया जाता है। इसका मतलब आपने खोली हुई एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर आपके कंप्यूटर में ओपन है। अगर आपने ओपन किया एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर
क्लोज करते हैं या बंद करते हैं तो उसका आइकॉन टास्क बार पर से गायब हो जाता है। इसका मतलब आपका एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर क्लोज हो गया है। सबसे आखिर में टास्क